Hello viewers, welcome to Crafty News. A very happy new year to you all. As you know, this is my first video of this year. So first of all, I want to say thank you to all of you for showering too much love and affection and for watching my channel. तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज हम वेडिंग कार्ड और कार्डबोर्ड को रीयूज़ करके कुछ बहुत ही सुंदर होम डेकोर आइटम्स बनाने वाले हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट DIY. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक वेडिंग कार्ड है और ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है. सबसे पहले मैं इसको 2 पीसेज में कट करके बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर लूँगी. कोट लिखने के लिए मैंने यह शीट ली है. ये एक आईलाइनर की बोतल है जिस पर मैंने नेल पेंट से डॉट्स बनाए हैं. बाकी जो भी मटेरियल हमें इस DIY के लिए चाहिए वो इजीली आपके पास होगा. सबसे पहले आई विल राइट द कोट विद पेंसिल एंड देन आई विल कलर इट. आई एम यूजिंग ब्रश पेन. अगर आप चाहें तो स्केच पेन और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं. डॉम्स ब्रश पेन आर वेरी सॉफ्ट एंड ईजी टू यूज़. वैसे तो मैंने इसे लोकल स्टेशनरी शॉप से लिया है, लेकिन मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी. एज यू कैन सी हाउ फ्लोई दे आर. कोड को लिखने के बाद हम इसको बोर्ड पे पेस्ट कर देंगे. एक साइड में मैं लेस नैपकिन को हाफ में कट करके पेस्ट कर रही हूँ. इस लेस नैपकिन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये कप की कटिंग है, मैंने एक ब्रोशर से निकाली है. इन ऑर्डर टू गिव इट 3D लुक मैं इस पर डबल साइडेड टेप की 2 लेयर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे. टू प्रिपेयर द वाज आई एम यूजिंग आर्टिफिशियल स्टेम्स एंड सेम पेपर स्पायरल रोजेज, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं. अगर आप चाहेंगे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अब वर्ज को मैं स्टोन लेस से डेकोरेट करने जा रही हूँ. फिर इसको मैं पेस्ट कर दूँगी बोर्ड पर. नाउ आई एम यूजिंग अ लीफ वाइन टू डेकोरेट द DIY मोर. एडेड अनदर फ्लावर ऑल्सो ऑन द बॉटम पार्ट. आर क्यूट एंड ईजी होम डेकोर इज रेडी. एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू यूज इट इन माई बालकनी वेयर आई रिजॉइस टू टेक टी इन द कंपनी ऑफ प्लांट्स एंड बर्ड्स. दैट इज माई हैप्पी प्लेस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं सेम वेडिंग कार्ड का बैक पार्ट. इस पर भी मैं पहले पेंसिल से कोट लिखकर उसे कलर करूँगी. द सेम कलर्स आई एम यूजिंग. देयर इज नो नीड ऑफ ब्रश पेंट एंड वाटर. सो ईजी एंड फ्लोई दीज कलर्स आर. अगेन सेम लेस नैपकिन आई एम यूजिंग माई फेवरेट. ये एक फ़ोटो का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट है जिसे मैंने पहले वाइट और फिर ब्लैक पेपर पर पेस्ट किया है. टू गिव 3D लुक मैंने ब्लैक शीट को फोल्ड किया है बॉटम साइड से, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाउ इट्स टर्न टू पेस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बोर्ड. सबसे पहले फ्लावर एंड देन जूट बू. ये मेरी डॉटर के किचन सेट के कुछ पीसेज हैं जिसका मैं रियूज़ करने जा रही हूँ, जिनसे अब वो खेलती भी नहीं है. इन्हें मैं ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी. लुक हाउ आई एम पेस्टिंग द फोटो. पेस्टिंग ग्लिटर शीट हार्ट अ फ्लावर नियर द फोटो एंड आवर होम डेकोर इज रेडी. आई एम पेस्टिंग द लिड ऑफ द टॉय एज इट कैन फॉल. हाउ ब्यूटिफुल दिस डेकोर इज. वट डू यू से. दिस वन इज माई फेवरेट. अब चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ, जो एक कार्डबोर्ड पीस से बना है. मैंने 21x11 इंच का एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है. एजेस को राउंड शेप देने के लिए आई एम यूजिंग दिस टेप. नाउ ड्रॉ द शेप ऑफ बेलन ऑन व्हाइट कार्डबोर्ड. अगर आप चाहें तो ब्राउन कार्डबोर्ड से बनाकर उसे व्हाइट पेपर से भी कवर कर सकते हैं. ब्लैक टेप बोर्ड के चारों तरफ स्टिक करेंगे टू मेक द बॉर्डर. नाउ आई एम यूजिंग पैकिंग पेपर ऑफ वुडन लुक. आई एक्चुअली वॉन्ट टू गिव द वुडन लुक टू दिस पीस एंड पेस्ट इट ऑन द बोर्ड लिविंग सम स्पेस अराउंड.
अब हम रोलिंग पिन या बेलन के ऊपर पेन या कलर की हेल्प से कोट लिखेंगे। पेस्ट द रेड फॉर्म शीट हार्ट हेयर। प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो लेफ्ट ओवर लेस थी उसका ही यूज़ मैंने यहाँ किया है। पेस्ट ऑल द लेटर्स कट आउट ऑफ ब्लैक लेटर शीट। नाउ यू कैन यूज़ अल्फाबेट स्टिकर्स ऑल्सो, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एक्चुअली राइट इफ़ द बेस पेपर इज लाइट एंड प्लेन इन कलर एज वी हैव डन इन प्रीवियस DIYs। दीज पीसीज आर ऑल्सो फ्रॉम सेम किचन सेट ऑफ माई डॉटर। पेस्ट दैम विद द हॉट ग्लू गन। टू कम्प्लीट द लुक I pasted jute rope around the rolling pin. अब glue gun की help से rolling pin को भी board पर paste कर देंगे। इसको hang करने के लिए मैं golden chain का use कर रही हूँ, जो कि मेरे daughter की clutch की chain है। Paste a flower on the top to complete the look. And our beautiful decor is ready. You can gift it to your mother also. This is really beautiful. So, guys, आपको सारे DIYs कैसे लगे? I hope सभी आपको पसंद आए होंगे. Please let me know in the comment section which one is your favorite. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon also. Stay tuned, be crafty. Take care and bye-bye.